हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आपका स्वागत है। हम हाजिर है फिर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम लहसुन खाने के फायदे के बारे में बात करेंगे। लहसुन हर किचन में पाई जाती है। लहसुन खाने का जायका और स्वाद बढ़ाती है। यह गर्म तासीर की होती है और सदियों से इसका उपयोग भारत में मसाले के रूप में किया जाता है। दोस्तों, लहसुन का प्रयोग कच्चा और भूनकर दोनों तरीके से किया जाता है। इसे सब्जी या चटनी में भी मिलाया जाता है। लहसुन में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए लाभकारी होता है। कुछ संप्रदायों में लहसुन से दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह कामुकता और कामिच्छा को बढ़ाती है। लहसुन में ज़्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है। इसकी वजह से यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल तथा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। यह अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से भरी होती है, इसलिए सदियों से आयुर्वेद के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि लहसुन का उपयोग सेहत के लिए किस प्रकार से किया जाता है। यह पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जिन लोगों का पेट बार बार खराब होता हो और जल्दी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, इनके लिए भुना हुआ लहसुन खाने से बहुत फायदा होता है। इसके सेवन से सीने में होने वाली जलन, उल्टी और पेट की खराबी दूर होती है। यह दिल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। भुना हुआ लहसुन का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा टलता है। इसके सेवन से खून पतला बनता है और धमनियों में खून का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ज़्यादातर बीमारियों का खतरा टलता है। इसका सेवन करने से ठंड से निजात मिलती है, साथ ही यह कैंसर जैसे रोगों से बचाता है। यह ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में फायदेमंद होती है। दोस्तों, इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं जो दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दांतों के दर्द होने पर पिसा हुआ लहसुन दांतों के बीच रख दें, इससे दांतों के दर्द में तुरंत आराम होता है। जिन पुरुषों की काम शक्ति कमजोर हुई हो, इनके लिए रात को सोते समय एक लहसुन की कली खाने की सलाह दी जाती है। इसमें पाए जाने वाला तत्व पुरुषों के सेक्स हॉर्मोन्स के स्तर को बढ़ा देता है। इससे पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दूर होता है। इसके साथ ही इसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन और सेलेनियम नाम का तत्व पाया जाता है, जो वीर्य की क्वालिटी को बढ़ाता है। लहसुन का सेवन करने से महिलाओं में बांझपन की समस्या दूर होती है। इसके लिए लहसुन की 2 से 3 कलियों का जूस बनाकर दूध के साथ गर्म करके रोजाना सेवन करें। इस प्रयोग से महिलाओं की गर्भधारण की क्षमता बढ़ती है और बांझपन की समस्या मिटती है। रोजाना 1 से 2 लहसुन की कलियों का सेवन करने से अर्थराइटिस में बहुत फायदा होता है। इसका सेवन जोड़ों का दर्द और घुटनों के दर्द से निजात दिला सकता है। इसके सेवन का सबसे अच्छा तरीका है इसकी 1 से 2 कलियों को पीसकर शहद मिलाकर सेवन करें, या इसकी कलियों को भूनकर घी के साथ खाएं। इसका बाह्य प्रयोग त्वचा को संक्रमण से बचाता है। यह दाद, खाज और गीली खुजली में फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, ये थी लहसुन की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी।